नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। अपने दमदार खेल और दमदार रणनीति के बदौलत फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर रविवार को 21वें फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फ्रांस ने ये खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले फ्रांस साल 1998 में ब्राजील को 3-0 से हराकर चैंपियन बना था, लेकिन इस बार फीफा के फाइनल में ऐसा कुछ हुआ जो लगभग 32 साल पहले हुआ था। आपको बता दें कि फीफा के खिताबी मुकाबले में 32 साल बाद 4 या उससे ज्यादा गोल लगे। इससे पहले ये घटना साल 1986 में घटी थी, जब फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अर्जेंटीना और वेस्ट जर्मनी के बीच खेला गया था। इस मैच में कुल 5 गोल हुए थे, जिसमें 3 गोल अर्जेंटीना की ओर से दागे गए थे, जबकि 2 गोल वेस्ट जर्मनी ने दागे थे, और अर्जेंटीना ने वो खिताबी मुकाबला 3-2 से अपने नाम किया था। आपको बता दें कि साल 1930 से शुरू हुए फीफा वर्ल्ड कप में अब तक कुल 11 बार ऐसे मौके आए हैं जब फाइनल में 4 या इससे ज्यादा गोल हुए हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहले ही वर्ल्ड कप फाइनल में कुल 6 गोल हुए थे, और उस वक्त उरुग्वे ने 4-2 से अर्जेंटीना को हराकर तब खिताब जीता था। इसके बाद 1938 में, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1982, 1986 के फीफा फाइनल के दौरान ऐसा हुआ जब 4 या उससे ज्यादा गोल दागे गए हों।